गुड मॉर्निंग। इनोवेटर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत। आज एक टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट हम लोग क्लास 7th का करने लग जाएंगे, जिसमें बेसिक कुछ बातें हैं। बेसिक बातें क्या है? सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कुछ टर्म है जो इसके अंदर यूज किया जाता है, जैसे पहला प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, और टाइम तो है ही, है ना? तो ये सब क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है? देखो, प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या होता है? आप जो पैसा, आप जो श्रम बोरोड करते हो, है ना, वो क्या है? हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। रेट क्या होता है? 100 रुपए पर जो पर ईयर, आप एक्स्ट्रा देते हो, पर ईयर जिस आप 100 रुपए पे पर ईयर जो एक्स्ट्रा चार्ज देते हो, वो किस रेट से चल रहा है, तो उसको रेट परसेंट कहने लग जाते हैं, ठीक है? टाइम क्या, आप जितने टाइम के लिए दिए हो। और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक डिफरेंस है, वो हम लोग देख लेंगे, क्योंकि अगले क्लास में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ना है, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? जो भी आपका एक, सबसे पहले तो एक प्रिंसिपल होगा, एक रेट होगा और एक टाइम होगा, ठीक है? तो कुछ वहां पे टाइम दिया होगा, मान लो 3 इयर्स, रेट दिया होगा मान लो 6%, और कुछ प्रिंसिपल दिया होगा मान लो 100 रुपए, है ना, 100 रुपए, ठीक है? अब इस पे जो आपको इंटरेस्ट निकालना है, मतलब ये 6 और 3, इस दोनों का मल्टीपल कर दोगे ना आप इनका, तो वो क्या निकल आएगा? SI निकल आएगा, PRT/100, है ना? सेम अगर हम बात करने लग जाते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, तो फर्स्ट ईयर में CI और SI दोनों इक्वल होता है। बात समझ में आया? फर्स्ट ईयर के अंदर चाहे वो CI हो या SI हो, दोनों इक्वल आएगा, ठीक है? तो SI के अंदर क्या होता है, हर ईयर प्रत्येक साल जो है वो इक्वल इंटरेस्ट लगता है। पर CI के अंदर क्या है, फर्स्ट ईयर तो आपका इक्वल होगा, पर जैसे ही आप सेकेंड ईयर में आओगे ना, तो आपका जो प्रिंसिपल था वो तो होगा ही, प्लस में ऐड हो जाएगा क्या, प्लस में फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो इसमें ऐड होके ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, एक प्रिंसिपल बनेगा सेकेंड ईयर के लिए। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो चलो, आज आपके एक्सरसाइज 12A में है ना, एक्सरसाइज 12A में, बहुत सही है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाने लग जाएंगे, और आपका जो एक्सरसाइज 12A है, क्या है, एक्सरसाइज 12A है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12 से, है ना, 12A का लगा लो हेडिंग, एक्सरसाइज 12A, है ना? कौन सा है ये बुक? RS अग्रवाल, है ना? क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे 12, दिख रहा है 12? चलो ठीक है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, शांता बोरोड 6,000 फ्रॉम द SBI ऑफ SBI फॉर 3 ईयर्स 8 मंथ एट 12% पर एनम, अमाउंट विल क्लियर ऑफ हर डेब्ट। सबसे पहले ये संता कितना पैसा लिया है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, ₹6,000। रेट कितना है, 12%, और टाइम कितना है, 3 ईयर्स 8 मंथ्स, है ना? तो अब देखो, इसमें हमको पूछ रहा है अमाउंट, क्या पूछ रहा है, अमाउंट आप किसे इतना उसे वापस करोगे। सबसे पहले अमाउंट के लिए आपको पता है आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100, और P कितना, 6,000, 8, 12%, और टाइम कितना है। अब देखो, ये है पूरा का पूरा, ये तो ईयर में है और ये मंथ में, तो एक साल में कितना महीना, 12, तो पूरा का पूरा 1, 4, 36,
36 मंथ, कितना 36 मंथ, अब प्लस 8 मंथ, टोटल कितना हो गया 44 मंथ, हाँ कि ना, कितना हो गया 44 मंथ। अब क्या करना है, इसमें टाइम चाहिए 44, ये है कि इसमें मंथ में अपना काम चलना है ईयर में, तो इसको 12 से डिवाइड भी करेंगे और नीचे अपना 100 तो रहेगा ही, ठीक है। फिर देख लो ये और ये खत्म, हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 2640 रुपये। अपने को चाहिए क्या, अमाउंट, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, है ना। तो अपना प्रिंसिपल कितना है 6000, अब प्लस 2640, तो टोटल कितना हो गया 8640 रुपीज़ आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आया क्या। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, और 13 कह रहा है हरी बोरोड 12600 फ्रॉम ए मनी लेंडर एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स। चलो ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देख लो प्रिंसिपल कितना है, 12600, है ना। इसके लिए रेट कितना है 15%, और टाइम कितना है, टाइम आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ, इसके लिए हमें अमाउंट निकालना है सवाल के अनुसार, है ना, अमाउंट निकालना है। और आपको पता है अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है ना। तो सबसे पहले तो अपने को यही नहीं पता कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100। तो ये 12600 PRT/100, अब यहाँ पे कितना हो गया 126, 126 × 45, है ना, कितना 5670, ठीक है। तो अब बताओ अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, इधर 12600 प्लस का रहेगा 5670, 07281, 18270, ये क्या हो गया हमारा अमाउंट हो गया। सवाल में और क्या कह रहा है, कह रहा है ही पेड 7070 एंड गिव ए गॉट टू क्लियर ऑफ द डेब्ट, सारा कर्ज को खत्म करने के लिए 7070 रुपये उसने पेड किया, कितना पेड किया 7070 रुपये, है ना, कितना 7070 रुपये उसने पेड कर दिया, 0 0, और ये कितना 2, और ये 11, 11200 रुपये बच गया। तो मतलब वो जो बकरी था वो बकरी कितना महंगा था, 11200 रुपये का वो बकरी था, जो एक बकरी दिया 7700 रुपये, 7070 रुपये कैश दिया, फिर जाके उसका टोटल का अमाउंट इक्वल हुआ और जाके वहां से उसका डेब्ट क्लियर हुआ। बात समझ में आई, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर, चलो छापो इसको तो जल्दी से, सही है। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम, ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 ईयर्स। 14 नंबर में का 14 में दिया हुआ है टाइम, टाइम 3 ईयर्स, रेट दिया हुआ है 10%, और अमाउंट दिया हुआ है 14 में, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट कितना है 829.50, ठीक है। अब पूछ रहा है प्रिंसिपल, क्या पूछ रहा है प्रिंसिपल, चलो ठीक है, बहुत सही है। एक 15 नंबर क्वेश्चन क्या है,
15 में कह रहा है ए सम व्हेन रिकाउंट एट रेट, दे रखा है यहाँ पे भी कितना 15/2% इसको बोलेंगे ना, ठीक। और इसमें भी क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, इसमें अमाउंट दिया हुआ है 3920 रुपीज़, ठीक है। और टाइम दे रखा है 3 ईयर्स, और इसमें पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। चलो देखो दो सवाल है, दोनों सवाल में प्रिंसिपल ही पूछ रहा है, बस दोनों का लैंग्वेज देखो क्या है। टाइम गिवेन है, टाइम गिवेन है, रेट गिवेन है, रेट गिवेन है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट गिवेन है, और यहाँ पे अमाउंट गिवेन है, ठीक है। बस ध्यान से समझते जाना, यहाँ पे हमें प्रिंसिपल निकालना है, क्या निकालना है, प्रिंसिपल, कोई दिक्कत नहीं है। हमको सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना है, SI बराबर PRT/100, PRT/100, बस इस चीज को आप पकड़ के बना लो, पूरा सिंपल इंटरेस्ट, इवन की कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा इस पे खत्म होना है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, 829.50, पी अपने को नहीं पता व्हाट है, आर अपना है 10%, और टाइम है 3 ईयर्स बाय 100, वेरी गुड। तो अभी क्या हो जाएगा, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर हो जाएगा 30 वाट इक्वल टू 829.50 × 100, ठीक है। तो वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 829.50 × 100 बाय 30, यहाँ से ये डेसिमल हटेगा, फिर से 100, और ये कटेगा, और ये कटेगा, है ना, और ये कितना कटेगा, ये कटेगा, काटो लगाओ, कितना हो जाएगा, 3 से 829 को 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 721, 6 18 1 5 15, तो लो ये रहा आपका प्रिंसिपल, है ना। 3 से डिवाइड किए 8295 को, तो आप देखो यहाँ से जैसे ही डिवाइड करोगे 3 2 जा 8, अब 3 2 जा 6, फिर 2 बचा, फिर 2 के 2 आया, तो 7 टाइम में 21, फिर 1 बचा तो 19, 19 तो फिर 3 से 19 को डिवाइड किए 6 टाइम 18, फिर 1 बचा उस पर, फिर 5 आया, तो 3 5 जा 15, बात समझ में आया। तो ये आपका हो गया पहले सवाल का प्रिंसिपल, ठीक है। अब दूसरे सवाल पे आते हैं, यहाँ पे भी हमें निकालना है प्रिंसिपल ही, ठीक है। हमें यहाँ पे गिवेन है अमाउंट, आपको पता है अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस SI होता है ना, अपने पास तो यहाँ पे प्रिंसिपल ही नहीं है, तो व्हाट ही रहेगा, अब प्लस का SI होगा, है ना, बहुत सही। तो अब हम लोग देख लेते हैं SI कैसे निकालेंगे ऐसे सवालों में। तो SI बराबर हमको क्या पता है कि PRT/100 होता है, ठीक है। पी अपने को नहीं पता, तो वाट रहेगा, आर कितना गिवेन है, आर गिवेन है 15/2, 15/2, और टी गिवेन है कितना, 3 ईयर्स, ठीक है, बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा, 45 वाट/200, है ना। तो ये हमारा हो गया SI, तो अब हम लोग क्या, वाट में SI का वैल्यू कितना आया, 45 वाट/200, तो इसको हम लोग करने लग जाएंगे, तो ये आ जाएगा 245 वाट/200। बोलो अमाउंट का वैल्यू ये निकला कि नहीं, अमाउंट बराबर 245 वाट/200, पर अमाउंट ये हम निकाले, और एक सवाल में जो अमाउंट दिया हुआ वो कितना है, 3920, बोलो हाँ कि ना। अब इसके नीचे 1 डाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो फिर क्या होगा, वाट इक्वल टू 3920 × 200 × 200 by 45 by 45। अब कट लो, है ना, काटो, इसको हम कर देते हैं 2 × 100, है ना, 245 ना, 245। अब अगर हम 100 से काटने लग जाते हैं, काट देते हैं 5 से, 5 से ये कितना हो जाएगा,
फाइव से ये 20 है ना, फाइव से, और ये फाइव से फोर, और ये 49, ठीक है, 49, तो हमको ये 8 से, कितना 8 से, कितना है आंसर दिखाओ, 4। तीन हजार दो सौ, 3200 कितना है? नहीं, तीन हजार दो सौ। अब आंसर मैचिंग करो तो कितना है? क्वेश्चन नंबर 15, 12B। तीन हजार दो सौ है ना, 3200। अपना प्रिंसिपल कितना आया? प्रिंसिपल कितना आया? 3200। बात समझ में आया? बातें समझ में आई इतनी सारी? चलो ठीक है, जल्दी से छापो।